नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से इंडियन ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एब्रोमा एगस्टा। दोस्तों आज एक्चुअली में हम दो दवाइयों के बारे में जानने वाले हैं जो एक ही प्लांट से बनाई जाती है। एब्रोमा अगस्ता जो है वो एक प्लांट होता है जिसकी पत्तियों से जो है मदर टिंचर बनाया जाता है, और एब्रोमा एगस्ता रेडिक्स जो होता है वो एक उसी प्लांट की जो है रूट होती है जिससे ये दवाई बनाई जाती है। तो आज इन दोनों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये दवाई स्पेसिफिकली किस ऑर्गन पे काम करती है। दोस्तों ये जो एब्रोमा एगस्ता दवाई है और एब्रोमा अगस्ता रेडिक्स है, ये दोनों ही फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो मेंसेस से रिलेटेड हो, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही हो, या उनके जो पीरियड्स होते हैं वो रुक गए हो, जैसे जिसको हम मेडिकल भाषा में एमेनोरिया बोलते हैं, या फिर जब भी उनको मेंसेस होता है तो जो है उनको बहुत तेज दर्द होता है जिसको हम पेनफुल मेंसेस मतलब डिसमेनोरिया बोलते हैं। तो इस टाइप की यदि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपके लिए एब्रोमा अगस्ता और एब्रोमा अगस्ता रेडिक्स दोनों ही दवाइयाँ काफ़ी कारगर है। दोस्तों हम बात करें यदि एब्रोमा अगस्ता की और फीचर्स के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, तो ये बहुत अच्छी दवाई है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। एब्रोमा अगस्ता जो दवाई है वो पॉलीयूरिया के लिए बहुत अच्छी दवाई है। यदि आपको बार बार पेशाब जाना होता है, बार बार आपको पेशाब आती है, जो स्पेशली जो है डायबिटीज़ मलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिटस, ये दोनों ही प्रकार की जो डायबिटीज़ होती है उसमें जो है बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको दोस्तों प्यास भी बहुत लगती है, आप रात में जो है बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो ये बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उन्होंने खाना खा लिया होता है और उसके कुछ 15-20-30 मिनट बाद फिर से भूख लगाती है, तो उस टाइप के पेशेंट में यदि ये पोलियूरिया वगैरह के जो सिम्टम देखने को मिलते हैं तो एब्रोमा अगस्ता बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ यदि हम देखें तो जो मानसिक बीमारियों की हम यदि बात करें या मेंटल प्लेन की बात करें, तो ऐसे मरीज जो इरिटेबल होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा उनको आ जाता है, डिप्रेशन में भी रहते हैं, और जो है एब्सेंट माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं, और उनमें यदि कुछ ऐसे एब्रोमा अगस्ता के सिम्टम दूसरे भी दिखते हैं तो हम निश्चित रूप से ये दवाई प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि हम देखें तो एब्रोमा अगस्ता जो दवाई है पॉलीयूरिया में बहुत अच्छा काम करती है, शुगर में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जो लेडीसों में एमेनोरिया और डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो मेंसेस रुक जाते हैं या ब्लीडिंग बहुत कम होती है, एक दिन ब्लीडिंग होती है, मतलब बहुत कम ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, 5 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए एब्रोमा एगेस्ट्रा रेडिक्स बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। दोस्तों ये वीकनेस के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, लेडीसों के लिए टॉनिक के रूप में भी काम करती है, और यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, डलनेस रहती है, और इसी के साथ में आपको जो मैंने भूख वाला सिम्टम बताया है उस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो एब्रोमा अगस्ता बहुत अच्छी दवाई साबित होती है। यूं तो दोस्तों ये बहुत छोटी दवाई हमारे मटेरिया मेडिका में है और बहुत सारी मटेरिया मेडिका में ये लिखी भी नहीं हुई है, परंतु यदि हम इसको प्रैक्टिस में यूज़ करो तो काफ़ी बड़ा इसका इफेक्ट होता है। इसकी जो रूट है उससे भी जो दवाई बनाई जाती है जिसको एब्रोमा अगस्ता रेडिक्स बोलते हैं, फीमेल की सारी परेशानियों के लिए वो बहुत अच्छी दवाई है। और एब्रोमा अगस्ता जो लीव से बनाई जाती है वो भी काफ़ी अच्छी हमको डायबिटीज़ में काम करती है, वो हमारी लेडीसों के जो जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी काम करती है, और साथ में यदि आपको वीकनेस बनी रहती है, आपको चक्कर आते हैं, तो भी काम करती है। दोस्तों इसी के साथ में एक और सिम्टम है कि इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको जो कब्ज होती है, तो तब जब वो मल त्यागने जाते हैं तो उनको मल बहुत कड़ा आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास होता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई ये साबित होती है। इसको अब लेना कैसे है, तो आपको एब्रोमा एगेस्टा की जो मदर टिंचर है उसका यूज़ करना है, आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेंगे तो ये जो परेशानी है जड़ से खत्म हो जाएगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।